नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जिंदगी लाइव में। और आज मैं आपको दिखाऊंगा सेलोसिया का प्लांट। यह प्लांट देखने में बहुत ही खूबसूरत होता है और मखमली एहसास देता है। इस पौधे को ज़्यादा कोई केयर नहीं करनी पड़ती है। यह पौधा अच्छी क्वालिटी का होता है, इस पर कोई किसी प्रकार का कीट भी नहीं लगता है और इसका फूल बहुत ही मखमली होता है, जो छूने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए आज मैं आपको दिखाता हूँ सेलोसिया या मुर्गा कलगी का पौधा। दोस्तों, ये है सेलोसिया या मुर्गा कलगी का प्लांट। इसे सेलोसिया प्लांट या मुर्गा कलगी का पौधा भी कहते हैं। यह पौधा देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और इस पौधे की कोई ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती है। बस इसको समय समय पर पानी देते रहना पड़ता है। अब दोस्तों, किसी को भी बढ़ना है आगे तो उसको एक सहारा चाहिए। हमें भी यदि ऊर्जा की ज़रूरत है तो भोजन और पानी दोनों चाहिए। इसी प्रकार पौधों को भी बढ़ने के लिए भोजन यानी कि खाद और पानी की नितांत आवश्यकता होती है। लेकिन यह जो पौधा है, इसमें ज़्यादा मात्रा में ना तो खाद देने की आवश्यकता होती है और ना ही ज़्यादा मात्रा में पानी देने की। यह पौधा देखने में बहुत ही खूबसूरत होता है। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको इस पौधे को अच्छे से दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, देखने में कितना खूबसूरत लगता है। ये देखिए दोस्तों, पिंक कलर, पर्पल और वायलेट कलर। यह पौधा देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक लगता है। इसको छूने पर मखमल जैसा एहसास होता है, जैसे मखमल को छुआ जा रहा है। बहुत ही सॉफ्ट और नाइस फ्लावर है ये। इसका कलर पर्पल है, पर्पल कलर का ये फ्लावर है। देखिए, दोस्तों इस पौधे को लगाने में भी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसके बीज इस पौधे के फूल के नीचे होते हैं। देखिए, मैं आपको ये तोड़कर दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये बीज होते हैं काले रंग के, छोटे सरसों के राई के दाने के जैसे। इनको
आप आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। देखिए ये काले काले रंग के जो आपको दिख रहे होंगे, यही इसका बीज है। ये देखिए दोस्तों, ये इसका बीज है, ये देखिए। इसको लगाना भी बहुत आसान है। एक 2 से 3 इंच गहरा गड्ढा खोदिए और इन बीजों को उसमें डाल दीजिए और उसको पानी दे दीजिए। ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है, इतना दे दीजिए कि मिट्टी में पर्याप्त नमी बनी रहे। और जुलाई से अगस्त के महीने में इस पौधे का रोपण किया जाता है, इस बीज का रोपण किया जाता है। जून के एंड में या जुलाई के शुरुआत में इस बीज को ज़मीन में रोपित कर दीजिए और यह पौधा बरसात में बहुत अच्छे से ग्रो करता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, और यदि शेयर करें तो मुझे और खुशी होगी। इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।